हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल इजी इन्फो जोन में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑनलाइन किस तरह से आप किसी का भी वोटर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके electoralsearch.in टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए ये ECI वोटर इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा, जहाँ पे नीचे में सर्च बाय डिटेल्स और उसका फॉर्म दिया हुआ है और सर्च बाय एपिक नंबर दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करने से इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे जो है वोटर का डिटेल्स देने के बाद वोटर इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। तो चलिए मैं जो है आपको ये दोनों करके दिखाता हूँ। सर्च बाय डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पहले नेम शो कर रहा है, तो जो है मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद यहाँ पे एज और डेट ऑफ बर्थ बोला है, तो जो है मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ। उसके बाद जेंडर, उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इतना सब करने के बाद नीचे में ये कैप्चा कोड दिया हुआ है, ये कैप्चा कोड को टाइप कर देना है। इतना सब करने के बाद नीचे में जो सर्च बटन है, ये सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे में ये सारा डिटेल्स आ गया, जो भी वोटर का आप इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर अभी इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो जो है व्यू डिटेल्स में जाइए, व्यू डिटेल्स में जाने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे में प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन क्लिक करने के बाद जो है आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये था बाय डिटेल्स किस तरह से आप वोटर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर आप एपिक नंबर दे के डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो जो है फिर से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पे जो है सर्च बाय एपिक नंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एपिक नंबर देना है जो कि आपका वोटर कार्ड के ऊपर लिखा होगा, तो यहाँ पे मैं जो है एपिक नंबर दे रहा हूँ। उसके बाद स्टेट दे रहा हूँ, उसके बाद फिर से ये कैप्चा कोड। उसके बाद जो है सर्च पे क्लिक करना है। शायद कैप्चा कोड गलत हो गया इसलिए इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो जो है कैप्चा कोड को सही तरह से देना है। देने के बाद सर्च करना है।
तो सर्च करने के बाद फिर से जो है ये आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे नीचे में शो करेगा। तो फिर इसको प्रिंट आउट निकालना है, तो जो है व्यू डिटेल्स में क्लिक करके इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है किसी भी वोटर का इन्फॉर्मेशन आप निकालना चाहते हैं तो इस तरह से ये साइट पे जाके वोटर इन्फॉर्मेशन आप निकाल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो जो है आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।